हेलो एवरीवन। तो आज हम साइंस के लेक्चर नए स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस के लिए हमारे पास यहाँ पे टीचर हैं प्राची मैम। तो प्राची मैम आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद जो है लेक्चर वन आज स्टार्ट होगा। और ये ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होगी, जैसे ज्योग्राफी की ऑल्टरनेट डेज पे क्लास चल रही है लाइव, इसी तरह जो है प्राची मैम भी क्लास लेंगी ऑल्टरनेट। ओके, सो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज प्राची। तो हमने स्टार्ट करना है हमारा साइंस का लेक्चर। तो साइंस में जैसे मैं सबको पता है थ्री पार्ट्स है, दैट इज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो बिफोर हम आगे प्रोसीड करें, उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो एक सिलेबस है सिलेबस से गो थ्रू करेंगे, कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है हमारा, किस तरह से हमने अटेम्प्ट करना है और किस तरह से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हमने उसको समझना है। तो आप लोग के पास भी सिलेबस होगा, आप सिलेबस को भी साइड बाय साइड ओपन कर सकते हो, और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो जैसे हमें पता है साइंस है, तो साइंस वो फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा। सबसे पहले हमारा आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या क्या करना है, तो जो मैंने आप लोगों का सिलेबस देखा है, तो फिजिक्स में हमारे पास टॉपिक्स हैं दैट इज ऑफ लाइट। तो मतलब मोस्टली कहने का हमारा मतलब है कि जो टेंथ का क्लास, टेंथ का साइंस है ना, उससे ज्यादा हमारा। तो यहाँ पे हमारा धीरज कुमार ज्वाइन कर सके, गुड आफ्टरनून, तो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने स्टार्ट किया फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स में सबसे पहला है आपका दैट इज ऑफ लाइट, जो आप लोगों ने टेंथ में पढ़ी होगी। तो लाइट के अंदर हमारे पास टू पार्ट आता है, वो सब हम लोग को पता है, दैट इज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन। रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रेक्शन, एक रिफ्लेक्शन का पार्ट आएगा, दूसरा हमारा रिफ्रेक्शन का पार्ट आता है। इसके अलावा जो हमारे पास है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आवर एनवायरमेंट। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी। तो फिजिक्स में जो पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस को नहीं, मैं बिल्कुल जो हमारे स्टार्टिंग स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं हम उसको डिस्कस करें। इसके बाद हमारा आएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी आपका टेंथ का टॉपिक है, और उसके इक्वेशन, एसिड बेस, मेटल्स एंड पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट कम हमारा जो भी हमारा आता है दैट इज ऑफ बायो। बायो में है आपके लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन। तो मेनली जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी आपकी टेंथ से रिलेटेड है। तो अब हमने क्या करना है, जितना भी हमने फर्दर मूव करना है, तो हम स्टार्ट आज करने वाले हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री का दैट इज ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैंने बच्चे अपना इंट्रोडक्शन करा दिया है, मेरा नाम प्राची है और मैंने आपको साइंस पढ़ाना है। सो स्टार्ट करते हैं विद हमारा केमिस्ट्री का, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। तो आप लोग में से जितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, किसने किसने ये चैप्टर पढ़ रखा है टेंथ में, और क्या क्या आता है, आप लोग मुझे बता सकते हो, बताओ। जिसने जिसने कर रखा है, जब मैं बीच में क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप लोगों ने आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर हमारा, दैट इज ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मतलब समझना है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या चीज है। केमिकल रिएक्शन, ये चैप्टर जो है मेनली हमारा टू टाइप्स में डिवाइडेड होता है। टू टाइप्स में डिवाइडेड का मतलब केमिकल रिएक्शन हमारा एक अलग पार्ट है और इक्वेशन जो है हमारा अलग पार्ट होता है। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ना है दैट इज द फर्स्ट पार्ट, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, आपने डे टू डे लाइफ में, घर में कहीं ना कहीं सुना होगा कि अगर कुछ लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं या कुछ नई चीज टेस्ट कर रहे हैं, तो अरे क्या होगा, सब क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ रिएक्ट कर जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन या ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कोई भी नई चीज फाउंड होती है या नई चीज प्रोड्यूस होती है एज अ प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, अब ऐसा रिएक्शन मतलब हम अगर उसे डिफाइन करना हो तो क्या कह सकते हैं, एनी रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस
विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. तो ये होती है हमारे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन. मतलब कहने का ये मतलब है कि ऐसा रिएक्शन या ऐसी चीज जिसमें हमारा कोई भी कंपाउंड या तो सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है विथ इट्स न्यू प्रॉपर्टीज. मैं रिपीट कर रही हूँ, केमिकल रिएक्शन ऐसी चीज होती है जिसमें हमारा कोई भी ओल्ड सब्सटेंस जो होता है वो न्यू में कन्वर्ट होता है. ओल्ड सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है विथ इट्स न्यू प्रॉपर्टी. सबसे कॉमन एग्जाम्पल एंड डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल, हम सब खाते हैं दही खाते हैं. गर्मियों में दही बहुत ज्यादा यूज होता है. तो दही क्या चीज से बनता है? मिल्क से. पहले वो क्या होता है? मिल्क. हम इसमें हमारा जो भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या जो भी हम घर में कहते हैं और उसमें हम दही डालते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है? कर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है. तो पहले वो क्या था? मिल्क था. अब वो क्या बन गया? कर्ड बन गया. मतलब टोटली डिफरेंट चीज फॉर्म हुई. पहले कुछ और था, अब कुछ और जाके बन गया. और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स है, रॉ वेजिटेबल्स है. हम मार्केट से क्या लेके आ गए? कुछ भी लेके आ गए, पोटैटो लेके आ गए, पोटैटो. और हमने इसे क्या किया? घर में कुक कर लिया. आफ्टर कुकिंग ये क्या हो गया होगा? सॉफ्ट पोटैटो बन गया होगा. मतलब थोड़ी से नरम हो गया होगा, या जो हम एडाइबल कहते हैं वैसे एडाइबल हो जाता है. मैं उसे चेंज कर लेती हूँ कलर. तो क्या हो जाता है? वो एडाइबल हो जाता है. तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी कोई सब्सटेंस एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है. और एग्जांपल्स, आप में से किसी को कोई एग्जांपल दिमाग में आ रहा हो तो मुझे फटाफट हैंड रेज करके भी बता सकते हैं या चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं. केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल 10th में सबने किया हो. फटाफट स्टार्ट करते हैं. यस धीरज, चमन, चलो. और एग्जाम्पल, ये तो हमारे डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल थी. अब हम प्रॉपर केमिस्ट्री में आते हैं कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी एग्जाम्पल होती है. अगर तो आपने एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी देखी होगी तो उसमें सबसे एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल हमारा मैग्नीशियम रिबन का देते हैं. जो मैग्नीशियम होता है हमारा, मैग्नीशियम रिबन का, मैग्नीशियम को अगर तो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये हमारा बना के देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आगे, सबसे आगे यहाँ पे टू टू क्यों लगा दिया, ये वाला टू और ये वाला टू क्यों लगा दिया. तो ये जो चीजें हैं ये हमने आगे पढ़ना है. सी प्लस ओ टू गिव्स अस सीओ टू. वेरी गुड, धीरज ने कुछ एग्जांपल दिया है, बिल्कुल करेक्ट है. उन्होंने एग्जांपल दिया है सी प्लस ओ टू गिव्स अस सी Gives us CO2. तो सिमिलर एग्जाम्पल है, जैसा मैंने उस एग्जाम्पल दिया वैसे कि हमारा क्या होता है केमिकल. सबसे पहले क्या है? ये कोई कंपाउंड या एलिमेंट है, कार्बन. और यहाँ पे क्या था हमारा? मैग्नीशियम. ये किसी चीज के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? टोटली न्यू चीज. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. तो बिल्कुल ही न्यू चीज, न्यू कंपाउंड विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म हो रही है. तो इसी को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन. तो हमारा टॉपिक क्या था? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो केमिकल रिएक्शंस तो हमने पढ़ ली कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें क्या हो रहा है, हमारा ओल्ड सब्सटेंस किसी भी न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा होता है. ये तो हमारा केमिकल रिएक्शन की. अब उसके आगे उन्होंने क्या लिख दिया? इक्वेशंस. अब इक्वेशंस क्या चीज होती है? अब हमारा आता इक्वेशंस. तो मैथ्स में आप सबने इक्वेशंस कहीं ना कहीं सुनी होगी, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ऐसे इस तरह से कुछ ना कुछ हमारा इक्वेशंस लिखा हुआ होता है. तो ये तो हो गई मैथ्स की बात. वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
चलो हम अभी मूव करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, पहले तो अभी हम इक्वेशंस पे हैं। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या होती है, जो मैथ्स में हमारे इस तरह से कुछ ना कुछ इक्वेशंस लिखी हुई होती है। अब साइंस में कौन सी इक्वेशन होती है, किस तरह से यूज होती है वो इक्वेशंस, वो हमने डिसाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मीनिंग होता है एनीथिंग टू बी प्रेजेंटेबल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूला। जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन का मतलब बताया कि ओल्ड सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में आ रहा है, इक्वेशन का मतलब ये होता है टू प्रेजेंट समथिंग, इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करना है, हमने प्रेजेंट करना है। अब प्रेजेंट कर कैसे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, ठीक है, कैसे प्रेजेंट करना है हमने, इन द फॉर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को दर्शाना, प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलास। अब किस तरह से हम करेंगे, ओके शायद ये इरेज हो गया। तो हमने क्या करना होता है, जो भी हमारा इक्वेशंस होता है, इक्वेशंस को मैंने इन द फॉर्म ऑफ, मैंने क्या बताया, फॉर्मूला एंड इक्वेशंस, फॉर्मूलाज और इक्वेशन के फॉर्म्स में हमने क्या करना होता है, उसको प्रेजेंट करना होता है। अब फॉर्मूला क्या चीज होती है केमिस्ट्री में एंड इक्वेशन क्या चीज होती है, तो वो जानना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे एग्जाम्पल्स आप लोग दे रहे हो मुझे, CO2 लिख के दे रहे हो, मैंने MgO लिखा था, इसके अलावा कोई और Zn ले लो, Na ले लो, या कोई भी चीज। तो ये जो सारी चीजें मैं लिख रही हूँ, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये किसी चीज का सिंबल है, ये क्या चीज है, सिंबल है, और ये क्या चीज है, किसी चीज का फॉर्मूला है। तो फॉर बेसिक के लिए मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि सिंबल और फॉर्मूला कहते किसको है। हमारा पीरियोडिक टेबल आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर हम लेते हैं हमारा पीरियोडिक टेबल में, जैसे हमारा होता है हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन सबसे सुना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब क्या है, मैं किसी किसी एलिमेंट्स की नाम, एलिमेंट्स का क्या कर रही हूँ, नाम लिख रही हूँ, जिसमें हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये अलग अलग क्या है, नेम्स है। तो अब ये हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, ठीक है, मतलब ये हमारा फॉर्मूलाज और सिंबल्स, इसको हम सिंबल्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास क्या है, एच क्या है, इसका सिंबल। ऑक्सीजन के लिए हम क्या लेते हैं, ओ, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन हमेशा H2 स्टेट में एंड ऑक्सीजन हमेशा O2 स्टेट में पाई जाती है। तो ये आगे चैप्टर्स में हमने पढ़ना है कि H2 और O2 क्यों एग्जिस्ट करता है, ये फ्री स्टेट में क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता है हमारा। तो सबसे पहले मैंने ये आपको बताया, अगर यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखना होगा, अगर तो कोई कंपाउंड बना, जैसे एग्जांपल दिया आपने C+O2 गिव्स अस CO2, तो ये क्या हो गया, ये कोई फॉर्मूला था, ये भी क्या था, कोई फॉर्मूला था, और ये क्या बन गया, हमारा सिंबल बन गया। जैसे कि ये क्या हम बता दो, F4 फॉर्मूला एंड ये हमारा सिंबल बन गया। तो ये इक्वेशन थी हमारी। अब इस इक्वेशन को हम पुट करके देखते हैं कि कैसे बना। अगर तो थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो थ्योरेटिकल फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगी इस चीज को, यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारा था कार्बन reacts with oxygen to form, क्या form कर रहा है, carbon dioxide। तो अगर मुझे कोई केमिकल रिएक्शन की थ्योरेटिकल फॉर्म लिखनी हो तो मुझे क्या इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, जिसमें मुझे अभी फॉर एग्जांपल 5-10 सेकंड्स ऑलमोस्ट लग चुके होंगे, जिसमें मैंने इतना बड़ा लिखा कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से लिखा। एक मेथड होता है प्रेजेंट करने का, वो इसके बाद का, वो भी मैं आपको पहले बता रही हूँ। इसके बाद का अगर मुझे कुछ लिखना हो तो एक और मेथड होता है लिखने का, जिसमें मैं क्या लिखूंगी, ऐसे लिखना है हमने कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो सबसे लेटेस्ट है, एक और अब जो सबसे लेटेस्ट हमने यूज करना है, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं, दैट इज सी प्लस ओ टू गिव्स अस सी ओ टू। ये पूरा हमारा, अब ये आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, तीन तरह की चीज दिख रही होंगी, मैंने एक ही बात को तीन तरह से प्रेजेंट किया। तो इन ओल्डर डेज क्या होता था, कार्बन जो सॉरी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता था उसको ना जो साइंटिस्ट थे इस मेथड्स में लिखा करते थे, ये वाला जो फर्स्ट वाला फॉर्म है। तो कई बार क्या होता था, इससे हमारी क्या दिक्कत होती थी, दिक्कत ये होती थी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, बहुत ही ज्यादा लेंथी होता था एंड उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो ओवरकम दिस प्रॉब्लम, मतलब इस चीजों को ओवरकम करने के लिए उन्होंने नई चीज डिस्कवर की, दैट इज ऑफ इक्वेशंस। तो उन्होंने क्या किया, उसको इक्वेशंस फॉर्म में किया। तो इक्वेशन फॉर्म में करने से पहले उन्होंने क्या किया, इसके शॉर्ट शॉर्ट मीम जो थे उसमें प्रेजेंट किया। नाउ डेज जो प्रेजेंट में यूज हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। तो धीरज ने लिखा है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी बच्चे, हम ये वही चीज पढ़ रहे हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड किस कार्बन किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म करती होती है। इसके अलावा तो ये था हमारा इक्वेशंस की, इक्वेशंस क्यों बना, कहाँ से बना, इसकी जो बेसिक हिस्ट्री थी वो भी मैंने आपको बता दी। ये क्या था, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड प्रेजेंटेबल भी अच्छा नहीं लग रहा होता था, इसी वजह से हमने क्या किया और साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको मॉडिफाई करके इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलास लेके आए। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो हम अभी तक हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, जो ये चैप्टर का नेम था उसका मीनिंग हमें क्लियर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो बैलेंसिंग को थोड़ा सा आगे रखते हुए सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो बस मुझे कोई बता सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 10, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, फटाफट रेज हैंड करो या चैट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो हमारे पास मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, अगर आप किसी से पूछे तो कई जगह आपको 5 लिखा हुआ दिखेगा, कई जगह आपको 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिखे गए होंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ, कहीं कहीं आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको जो केमिकल रिएक्शंस है वो लिखा जाएगा 4 टाइप्स के होते हैं एंड सम जगह आपको 5 टाइप्स के मिलेंगे, डिपेंड्स अपॉन बुक्स वो किस तरह से बता रही है और क्या बता रही है। ओके, 4 टाइप्स, वेरी गुड। तो 4 टाइप्स के नेम हमारे पास कौन कौन से, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और हम इसको क्या बोलते हैं, इसका एक और नेम होता है दैट इज ऑफ, चमन सिंह पटेल ने आंसर दिया था, दैट इज वेरी गुड। अब हमारे पास इसका सेकेंड नेम भी होता है, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबसे पहला हमारे पास एडिशन रिएक्शन, दूसरा हमारे पास फर्स्ट इसी का क्या नाम है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड आता है हमारा डिस्प्ले डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हमारे पास थर्ड आएगा, किसी को पता है थर्ड का नेम, डिस्प्लेसमेंट फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद जो फिफ्थ आता है हमारे पास,
फिफ्थ होता है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो ये वाला जो पार्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो कई बुक में इट इज इंक्लूडेड एज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कई बुक में इसको साइड से दिया हुआ है. दिस इज फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे बताए गए हैं. उसके बाद जो फिफ्थ वाला हमारा बताया गया है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो हम वन बाय वन सारे जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसे देखेंगे. तो एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में किसी को कुछ पता है? एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका क्या मतलब होता है? तो धीरज ने ये भी बताया है कि हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन भी होते हैं. गुड. और अब बताओ हमारे पास जो फर्स्ट दैट इज ऑफ एडिशन रिएक्शन, और इसका नेम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो अब एडिशन रिएक्शन यहाँ पे नेम ही इंडिकेट कर रहा है क्या होगा, एडिशन रिएक्शन. तो एडिशन रिएक्शन मेनली क्या होगा, कोई ना कोई चीज ऐड हो रही होगी. पढ़ रहे हैं हम केमिस्ट्री, तो यहाँ पे हमारे पास जो 118 एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन्हीं में से कोई ना कोई चीज क्या हो रही होगी, ऐड हो रही होगी. तो जैसे बच्चों ने ऊपर एग्जाम्पल्स दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला मैंने, मैग्नीशियम वाला दिया था, आप वाटर की फॉर्मेशन वाली कोई सी भी एग्जाम्पल ले सकते हो. तो जो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं उसी को हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि अलग अलग चीजों में आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो. तो फर्स्ट कम विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या हुआ, सी प्लस ओ गिव्स अस सी ओ टू. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिली होगी, एक तो हमारा क्या होता है रिएक्टेंट साइड और दूसरा कौन सा होता है प्रोडक्ट हैंड साइड. केमिकल रिएक्शन हमारा दो टाइप्स में लिखा हुआ होता है, दैट इज ऑफ, यस गुड धीरज ने ये बोला सी प्लस इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन, करेक्ट है. तो हमारे पास क्या है, दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है रिएक्टेंट का साइड, रिएक्टेंट जिसको मैं आर से लिख रही हूँ, एंड प्रोडक्ट हैंड साइड जिसको मैं पी से डिनोट कर रही हूँ. तो अब इसको डिफ्रेंशिएट या कैसे समझने का क्या तरीका होता है, इसमें क्या होता है, जब भी रिएक्शन वाला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड है, जब भी हमारा प्रोडक्ट हैंड साइड कोई एक ही चीज फॉर्म हो, ठीक है, और रिएक्टेंट साइड दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो, मतलब एडिशन रिएक्शन या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जिसमें क्या होता है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड एलिमेंट या तो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. मतलब एडिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर कंपाउंड्स या तो एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीज कंबाइन होती है और वो कंबाइन होके क्या करती है, कोई एक सब्सटेंस या एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रही होती है. अब आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये तो हम पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल चीजें, तो थ्योरेटिकल आपका पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो उसमें ये थोड़ी ना डेफिनेशंस पूछेंगे या कुछ भी पूछेंगे. तो उसमें क्या करेंगे, वो लोग आपको क्वेश्चंस देंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. मैं आपको साइड में छोटा सा पैटर्न बताती हूँ, उसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको टाइप बतानी पड़ेगी, और नीचे ना ए बी सी डी करके चार पांच केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई होंगी, जिसमें सी प्लस ओ टू लिखा होगा, गिव्स अस सी ओ टू, जेड एन एस ओ फोर, ZN plus H2SO4 ये हमारा कुछ बनाएगा, और उसके बाद ऐसे ही कुछ ना कुछ कोई ना कोई रिएक्शंस आपकी साथ बाई साथ लिखी हुई होंगी. तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से एक कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है,
एडिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब किस टाइप की कौन से रिएक्शंस है वो हमने बतानी होती है। तो अब आप पहचानोगे कैसे कि भाई कौन सा रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है, कौन सा डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है? तो सबकी एक ना एक खास प्रॉपर्टीज होती है। तो आपको फर्स्ट वाले में क्या याद करना है, जिसमें रिएक्टेंट साइड में दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन हो रही है। मैं हाइपोथेटिकल लगा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई और एक्स कंपाउंड लिखा हुआ होगा, मतलब तो तीन चीज कंबाइन होगी और यहाँ पे आपका वो एक चीज कोई फॉर्म हो रहा होगा। तो ये तो फर्स्ट आपका एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आएंगे हम दैट इज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन सेकेंड आता है हमारा डीकम्पोजिशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन रिएक्शन के भी नेम से कई बार जाना जाता है। ये हमारा होता है डीकम्पोजिशन। उसमें क्या था, फर्स्ट वाले केस में हम याद करो, जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट वाले एडिशन वाले में क्या हो रहा था, एडिशन वाले में सी प्लस ओ टू गिव्स अस सीओ टू। इसमें रिएक्टेंट साइड क्या था हमारा, दो कंपाउंड था, एंड हमारा प्रोडक्ट हैंड साइड कैसा था, एक कंपाउंड था। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है उसमें क्या होगा, जो भी हमारा रिएक्टेंट साइड होता है उसमें हमारे पास एक ही कंपाउंड, वन कंपाउंड ही हमारे पास होते हैं, और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैंड साइड होंगे इसमें हमारा टू और मोर कंपाउंड हमारे फॉर्म, टू और मोर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इस ये बिल्कुल ही हमारा उसका अपोजिट होता है एडिशन रिएक्शन वाले का। इसमें आपने धीरज ने बताया भी है दैट इज सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक अप इनटू टू और मोर कंपाउंड्स। वेरी गुड एंड इजी डेफिनेशन आपने दी है, जिसमें आपने एग्जैक्टली बता दिया है कि एक कंपाउंड, जैसे मैंने बताया रिएक्टेंट साइड क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, वो क्या होगा आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में भी स्प्लिट अप हो सकता है। तो बहुत अच्छा आप चल रहे हो, तो आप लोग फटाफट मुझे एक एग्जांपल भी साइड बाय साइड बताओ कि क्या एग्जांपल्स कंसीडर करनी चाहिए। जैसे आपने ऊपर बताया सी प्लस ओ टू इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन, तो फटाफट मुझे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल बताओ। हरी अप स्टूडेंट्स, अगर एक मैं लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल दूं तो इसमें क्या होगा, ए बी अगर कोई कंपाउंड है तो वो टूट के ए प्लस बी बन जाएगा, और इधर वाले में क्या हुआ, ए प्लस बी ये जाके ए बी बनाता है हमारा। तो ये आपको पता ही है, आप लोग फटाफट कोई ना कोई एग्जांपल मुझे दे दोगे, मुझे पता है। फटाफट जल्दी स्टार्ट करिए, क्या एग्जांपल आप लोग देना चाहते हो। चलो, कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री, ये हमारा एक बेसिक एग्जांपल है और ये एनसीईआरटी में भी है और काफी बार आपसे पूछा भी जाता है। तो सी ए सी ओ थ्री क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये टूटता है, जब ये टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। ये जब ब्रेक होता है तो ये हमारा CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहा होता है। मतलब क्या होता है, जब भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होने के बाद CaO एंड CO2 कार्बन ऑक्साइड बना रहा होता है। मतलब क्या हुआ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, एक कंपाउंड, जो हमारा एक कंपाउंड था दैट ब्रेक अप इनटू टू कंपाउंड्स, इस केस में वो टू कंपाउंड्स में डिस्प्लेस हो रहा है। अब आता है हमारा थर्ड रिएक्शन। हाँ, इसका भी डिफरेंस आपको मैं बता दूं साइड बाय साइड कैसे करना है। SiO2 गिव्स अस हमारा Si plus O2। अभी आपने Si लिखा तो है, मुझे बताओगे कि Si किस चीज का, किस कंपाउंड या किस मॉलिक्यूल का, यह फॉर्मूला आपने डिनोट किया है, इसका पूरा नाम क्या। जैसे मैंने CaCO3 लिखा तो उसका मैंने नाम दिया दैट इज ऑफ कैल्शियम
कार्बोनेट। तो ये एसआई जो आपने लिखा है, ये एसआई क्या चीज है? फटाफट बताओ क्या है ये? सिलिकॉन, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, रुबेडियम है, क्या है? फटाफट, इतना टाइम नहीं लगाना मुझे, फटाफट चैट बॉक्स में, साइंस की क्लास में हमने एक्टिव रहना है, फटाफट मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। दैट इज सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, दैट सिलिकॉन। तो हमारा जो एसआई होता है दैट इज एन सिंबल ऑफ सिलिकॉन, वेरी गुड। तो अब हमारे पास आना है, दैट इज हमने कार्बन डाइऑक्साइड का कर लिया, अब इसका डिफरेंस करना है, वेरी इजी है। पहला वाला था हमारा ए प्लस बी, ए बी, सेकेंड रिएक्शन था उसमें ए बी टूट के क्या बनाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा थर्ड। अब जो ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट टू एडिशन और डिकम्पोजिशन, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब एक जुड़ रहा था, दूसरा क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो ये तो हम वैसे वर्बली भी याद रख सकते हैं। अब जो थर्ड और फोर्थ है वो भी आपस में कनेक्टेड है, तो अब हम थर्ड और फोर्थ स्टार्ट करते हैं। थर्ड का क्या नाम है, भूल गए सारे? थर्ड का नाम, थर्ड हमारा कौन सा रिएक्शन था? दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। CA फॉर क्या स्टैंड करता है, कैल्शियम, एंड O फॉर ऑक्सीजन। जब ये कंबाइन होते हैं तो दैट इज CaO, और इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर सी, अब जैसे CO, अगर जहां पे O के साथ 2 लगा होता है ना, डाइऑक्साइड बन जाता है। सिंगल O को हम मोनोऑक्साइड के नेम से जानते होते हैं। तो आपका डाउट होप सो क्लियर हो गया होगा चमन। तो हम कहाँ पे थे, थर्ड रिएक्शन, थर्ड हमारा, थर्ड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसका नेम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड पे हम आ गए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट वाले में नेम ही इंडिकेट कर रहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ZnH2SO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। तो हम यही वाला एग्जांपल भी कंसीडर करेंगे अगर आपने लिखा है तो। सो वी विल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, एज द नेम ये क्या करता है, डिसप्लेस, ये क्या करेगा, किसी न किसी चीज को उसकी जगह पे से हिलाएगा। अगर हम आम भाषा में समझे, जो हम लोग करते हैं, अगर हम किसी भीड़ में लाइन में खड़े हैं, जैसे संपर्क के बाहर खड़े हैं, रेलवे टिकट लेने के लिए खड़े हैं, अब तो मेनली सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, बट अगर हम खड़े हैं तो अगर कोई लाइन में खड़े हो तो तुम क्या करते होते हैं, जो पावरफुल बंदा होता है वो क्या करता है, जो उससे कम ताकतवर होता है उसे धक्का मार के उसकी जगह पे भाई खुद खड़ा हो जाता है और उसको उस जगह से पीछे कर देता है। तो वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे, लिख रहे हो ना, Zn लिख रहे हो, H होगा, O होगा, C होगा, Na होगा, P होगा, K होगा, जो 118 एलिमेंट्स है। तो अब ये जो एलिमेंट्स है ना केमिस्ट्री में, कंसिडर कर लो कि लाइन में कोई खड़ा है, बंदे खड़े हैं। तो अब ये बंदे क्या करते हैं भाई, आपस में जो इनमें से ताकतवर होगा वो क्या करेगा, दूसरे की जगह पे आके खुद खड़ा हो जाएगा और उसको उसकी जगह पे से हटा के कहीं और भेज देगा। तो ये तो मैंने लेमन लैंग्वेज में बात की। केमिस्ट्री में हम इसे क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। केमिस्ट्री में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो हमेशा डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव का मतलब कौन कितना जल्दी कंबाइन कर सकता है, कितनी जल्दी हमारी किसी भी चीजों को किसके साथ, किसी भी अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ना है वो टोटली डिपेंड करता है हमारा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है जिस कंपाउंड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं। क्या बस मुझे बस इतना बता दो, किसी को रिएक्टिविटी सीरीज पता थी या नहीं थी, यस और नो? रिएक्टिविटी सीरीज पता थी या नहीं?
चलो तो फटाफट आपके आंसर्स आ जाए, तब तक हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। अगर जैसे हम एबीसीडी उसमें क्या कर रहे थे, फिर से मैं साइड में साइड रिवाइज कर रही हूँ, ए प्लस बी ये दे रहा था हमें ए बी, सेकेंड में क्या हुआ था ए बी इस साइड था ये दे रहा था हमें ए प्लस बी, तो ये थे हमारे दोनों केसेस। आई नो दैट इज वेरी गुड। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा ए बी प्लस सी डी, अब ये क्या करेगा, हमारा दो कोई रिएक्टेंट साइड है ए प्लस ए बी और सी डी, अब ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें, अब कोई ना कोई सब्सटेंस या कंपाउंड क्या करेगा वो इधर से उधर स्विच ऑन करने वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये जो डी है इस बी से ज्यादा ताकत है, मतलब मैं लिख सकती हूँ जो बी थोड़ा वीक है, ठीक है, और हमारा जो डी है वो क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा डी है वो ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब बी कम स्ट्रांग है और जो डी है वो ज्यादा स्ट्रांग है, उसी तरह हमारा जो ए है वो कम स्ट्रांग है और जो सी है हमारा ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम ये सारी वेली रो रिएक्टिव इज प्लेटिनम गोल्ड एंड कॉपर इटीसी, तो अब जो अपने कॉपर गोल्ड लिखा है इस पर भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। चलो तो ये सारी चीजें बाद में गई, अब हम यहाँ पे रिएक्टिविटी से, अब इसमें से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना वो क्या करेगा, उसको उसकी जगह पे से हटाएगा और खुद जाके बैठ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्या होगा, ए क्या होगा, अगर सी ज्यादा रिएक्टिव है तो ए के साथ सी कंबाइन हो जाएगा और हमारा बी के साथ डी कंबाइन हो जाएगा। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसमें क्या हुआ जो सी है बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा तब उसने क्या की बी की जगह ले ली। आगे वाले केस में हम देख सकते हैं सी और उसमें, तो इसका कहने का बस मेरा यही मतलब है कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है वो उसकी प्लेस पे जाके शिफ्ट ऑन हो जाता है। तो बच्चों ने एग्जाम्पल ली थी जेड एन प्लस H2SO4, इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ये बना ZnSO4 प्लस H2। इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पक्की बात है। बोलो बच्चे, बोलना भी होता है, फटाफट अपने चैट बॉक्स में लिखो CuSO4 एक सेकेंड जेड और एग्जाम्पल, पहले फर्स्ट वाले को डील करते हैं। तो चलो किसी के कोई जवाब नहीं आया, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हुआ, हमारे पास जिंक है, हाइड्रोजन है और हमारा ये क्या है H2SO4, इसे हम क्या बोलते हैं H2SO4 का नेम, फटाफट स्टूडेंट्स H2SO4 का नेम बताओ, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। तो अब यहाँ पे मैं बस ये बताऊंगी, हमारे पास रिएक्टेंट साइड एक कंपाउंड है और दो कंपाउंड है, और जो हमारा प्रोडक्ट हैंड फॉर्म हुआ है वहां पे भी हमारे कोई दो चीज है। अगर तुम इसको इस फॉर्म में कंबाइन करें, जैसे ए ए और बी ले ले इसको, और इसको भी हम क्या ले, कौन सी चीजें कहाँ पे डिस्प्लेस हुई है वो हमने चेक करना है। अब देखो हमारे पास जो ये क्या था SO4 ने क्या किया, H2 को लीव करके, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज गुड H2SO4, हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे SO4 था, उसने क्या किया हाइड्रोजन को छोड़ा वहां से डिस्प्लेस होके, मतलब छोड़ा, साइंटिफिक टर्म यूज करो तो क्या करूंगी, SO4 ने H2 का साथ छोड़ा और वो कहाँ जिंक के साथ आके कंबाइन हो गया, जिंक के साथ कंबाइन हो गया और हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन वन कंपाउंड या तो लेस रिएक्टिव कंपाउंड, मैं लिख देती हूँ साथ के साथ, यहाँ पे इसमें क्या होता है लेस रिएक्टिव कंपाउंड क्या होता है डिस्प्लेस, सीधा बस लेस रिएक्टिव कंपाउंड डिस्प्लेस द अदर, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करता है डिस्प्लेस करवा देता है वहां से। तो अब थर्ड वाला केस था, यहाँ जो हम ये जो केसेस बना रहे हैं उसमें हम क्या लिखेंगे ए बी प्लस सी डी
और इसमें एक चीज मैंने बताई थी वो डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आएगी, तो यहाँ पे एक कंपाउंड ही डिस्प्लेस होता है, ए सी आ जाएगा और बी और डी आ जाएगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसका एक और नाम है, दैट इज सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एडिशन रिएक्शन का नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वैसे ही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नेम भी होता है, दैट इज सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक एग्जाम्पल हो गई। एक एग्जाम्पल हम और करेंगे जिसमें हम जिंक को रिएक्ट करवा रहे होंगे कॉपर सल्फेट के साथ। तो सेकेंड एग्जाम्पल विल बी जिसमें हम क्या लिखेंगे, Zn प्लस Cu, जिंक को हम क्या, कॉपर सल्फेट ZnSO4। ये सेम बिल्कुल ही जैसा आपने ऊपर एग्जाम्पल दिया था ये वैसा, ये ऊपर इसमें हाइड्रोजन गैस था, इसमें कॉपर इवॉल्व होगा, यहाँ पे आएगा ZnSO4 प्लस Cu, सेम टू सेम रिएक्शन है जैसा हमने फर्स्ट किया। देन द लास्ट कम, दैट इज ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ में आगे हम, दैट इज ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, पहला हमने क्या पढ़ा, बिहार में बारिश हो रही है, मैंने तो सुना था बिहार में बारिश ही नहीं हो रही थी, न्यूज में मैंने देखा वहां पे कुछ रेड ऑरेंज अलर्ट सा ऐसा घोषित कर रहे थे, बारिश होने लगी, चलो नो प्रॉब्लम, जो भी आपका वो होगा, फिर जो आपका नेटवर्क आएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तो आप वहां से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, कोई भी हमारा ताकतवर कंपाउंड जो लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, वहां लेस रिएक्टिव कंपाउंड है वहां पे क्या हो रहा था, लेस रिएक्टिव कंपाउंड को डिस्प्लेस करके अपनी जगह वो आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा था ए बी प्लस सी डी, इसमें क्या हो रहा था, ए डी प्लस बी और सी आ रहा था, मतलब इसमें क्या हो रहा था, जो भी लेस रिएक्टिव कंपाउंड था वो वहां से हट के उसकी जगह जो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो आ रहे थे। अब यहाँ पे क्या नियम आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, एक साथ दो कंपाउंड डिस्प्लेस हो रहे हैं। जैसे मैंने लाइन में खड़े लोगों का एग्जाम्पल दिया था, तो लाइन में खड़े लोगों का क्या एग्जाम्पल दिया था कि जो ज्यादा ताकतवर होगा वो आगे लाइन में जाके खड़ा हो जाएगा और जो आगे बंदा खड़ा था उसको पीछा कर देगा, और शायद वो ज्यादा बोलने में लग रहा हो कि नहीं भाई इससे मैं लड़ भी नहीं सकता, तो वो बंदा क्या करेगा, चुपचाप वहीं पे भाई इसको पीछे कर दिया, वो पीछे ही खड़ा रह जाता है। तो ये तो हुई हमारी डे टू डे लाइफ में। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, उसमें एक साथ दो दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस कर रहे होते हैं, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे आयंस की और एक साथ हमारे दो दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारा सेम यही वाला चीज आ जाता है, इसमें हमें दिख तो रहा है कि दो दो चीजें हमारी क्या की है, आपस में एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गई है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल लूंगी मैं BaCl2। Ba किसका सिंबल होता है, BaCl2 प्लस NaSO4। Ba किसका सिंबल होता है, बस मुझे ये बताना है, ये बनेगा BaSO4 प्लस NaCl। बी ए किसका सिंबल होता है, फटाफट, बेरियम। बेरियम की स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, अब जिसने स्नेहा ने लिखा दैट इज ऑफ करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बेरियम, ठीक है, जो आपने
चमन आपने जो लिखा वो थोड़ा सा गलत हो गया था, धीरज आपने और स्नेहा आपने अच्छे से स्पेलिंग लिखी। तो हमने सिंबल्स के ना ऐसे नहीं, मैं आपको कह रही कि आपको ना एक किताब ले लेनी है रट्टू मर की तरह रटते रहना है, जो हम क्लास में करेंगे साथ के साथ आप उस चीजों को रिवाइज करते जाना और उसके बेस्ड एमसीक्यूज करते रहना। हमारा चैप्टर जैसे ही वाइंड अप होगा हम एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। तो हमारा फोर्थ टॉपिक था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं क्या क्या चीजें हुई है हमारी डिस्प्लेस। यहाँ पे बेरियम था हमारा, ओह शिट वो फिर से इरेज हो गया, मैं दोबारा से आपको एग्जांपल लिख देती हूँ। BaCl2+ हमारा बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट कर रहा होता है Na2SO4 के साथ, तो ये हमारा देता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl दैट इज ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ये जो क्लोराइड है वो हमारा सल्फेट की जगह पे आ गया है और सल्फेट जो है हमारा क्लोराइड की जगह पे आ गया है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा भाई। जब आपको एग्जांपल दे देंगे तो एग्जांपल में आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा था और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा था। तो सबसे बड़ी और मेजर चेंजेस ये होती है, उसके साथ आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ जरूर मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको कोई दो चीजें आपको क्लियरली विजिबल होगी, जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वहां से आपको वो चीजें क्लियर होगी। इसमें होगी पॉइंट नंबर 1 कि डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, हमेशा कोई दो चीजें डिस्प्लेस होंगी। सेकेंड पॉइंट, इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, किसी ना किसी भी टाइप का आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट पता है क्या होता है, जो व्हाइट सॉलिड पार्टिकल्स टाइप जो फॉर्म हो जाता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है जो, ये हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा, कोई दो चीजें डिस्प्लेस करेंगे, प्रेसिपिटेशन फॉर्म और आयंस फॉर्म होंगे। आयंस फॉर्मेशन कैसे होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, Na के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा ओवरऑल जब कैंसिल हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या बन जाता है, NaCl। मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारा कोई दो चीज डिस्प्लेस हो रहा होगा, दो चीजें डिस्प्लेस होने के साथ उसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रही होगी और आयंस की फॉर्मेशन हो रही होगी, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम, इसमें डबल्स, इसका एक और नाम है दैट इज ऑफ डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका था हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वर्ड क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी चीज हम कभी मिक्स करते हो या कुछ भी मिक्स करते हो, जैसे पानी में हम कोई चीज मिला रहे हो, तो नीचे देखा व्हाइट व्हाइट क्लम्प्स से बन जाते हैं, क्लम्प्स या क्रिस्टल्स जो मतलब बिल्कुल ही व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स से होते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगी इसके इमेज, जब मैं निकाल के रखूंगी तो आपको साइड बाय साइड जब हम रिविजन करेंगे उसमें आपको दोबारा मैं दिखा भी दूंगी कि जब हम कोई भी चीज को मिक्स कर रहे होते हैं तो नीचे कोई सॉलिड पार्टिकल्स या छोटी छोटी चीजें व्हाइट व्हाइट कलर की बैठ जाती है, तो उसी को हम टर्म यूज करते हैं दैट इज ऑफ क्रिस्टल्स। तो अभी एट द एंड ऑफ क्लास हम क्रिस्टल्स की इमेज, और जो अगर नॉर्मली क्रिस्टल्स देखना चाहते हो तो नमक देखा है, नमक का जो वो शेप होता है उसको हम सॉलिड क्रिस्टल्स के नेम से भी जानते हैं, जो हमारा 3D क्यूबॉइडल शेप में होता है, पर यहाँ पे वो क्रिस्टल्स आपको नहीं समझना है, यहाँ पे बस आपको प्रेसिपिटेट समझना है। तीन चीजें ही डिफरेंस करनी है, पहला डबल, दो चीजें डिस्प्लेस होने वाली है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, मैं प्रेसिपिटेट दिखाऊंगी। उसके बाद आता है हमारा आयंस फॉर्म होना, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें आयंस फॉर्म होगा। तो NaCl कैसा बनता है, अच्छा कैटलिस्ट ऐसी चीजें होते हैं जो रिएक्शंस को बूस्ट अप करने में हमारे काम आ रहे होते हैं, तो वो अभी इसको, उसका यूज तो यहाँ पे है ही नहीं बच्चे, जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं, तो मैं अभी वो भी आपको बता देती हूँ। सॉरी मैंने ध्यान से देखा नहीं था, मुझे क्रिस्टल लगा था। तो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट होता है तो रिएक्शन को बूस्ट अप करने में, और एक हमारे कैटलिस्ट जो रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं उनमें होता है ये।
तो सबसे पहले हम अपने क्लास पे आते हैं। क्लास में क्या था, हमने डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, तो उनसे हमें डिफरेंशिएट करना है। अब जो लास्ट 5th टाइप आता है, दैट इज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उसे भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज होती है, ये भी एज अ टाइप ऑफ आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन है, तो इनका कुछ बुक्स में इंक्लूडेड होता है, कुछ बुक्स में इंक्लूडेड नहीं होता है। बट अगर आपको एमसीक्यूज आते हैं तो आपने वहां पे लेटेस्ट 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ही टिक करना है। अब सबसे पहले इसको ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन क्या चीज होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिडक्शन। अब आपने सुना होगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह से आपने चीजों को सुना होगा, तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करनी है। और इसके बाद मैं आपको कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स दूंगी। अगर प्रेसिपिटेशन एक में होगा, मैं पहले लिख लेती हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पॉइंट नंबर 2 जिसमें होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड पॉइंट नंबर 2 रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड पॉइंट होता है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें आप मुझे बताओगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन कहलाता है एंड कौन सा हमारा रिडक्शन रिएक्शंस कहलाते हैं। यस स्टूडेंट्स, फटाफट नेटवर्क प्रॉब्लम, आपको बच्चे नेटवर्क प्रॉब्लम ही आ रहा है, बाकी बच्चे चलो मैं बता दी। जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ये वाला हमारा ऑक्सीडेशन होता है। एंड जिसमें हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, सॉरी हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, उन्हें हम बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इसको आपने ऐसे पॉइंट में दिमाग में बिठा ही लेना है कि हमारा क्या सब, जिसमें हमारा आपने लिखा है देयर इज ने, जहां पे ऑक्सीजन O2 ऐड हो रहा हो और O2 माइनस हो रहा हो, चलो ऑक्सीजन ऐड हो, चलो एक एक पॉइंट आपने बताया ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है, तो इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और नेक्स्ट हमारा जिसमें हमारा एडिशन हो रहा हो हाइड्रोजन का और हमारा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, दैट इज नोन एज रिडक्शन। अब हमारे पास अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो समझ ली विद 2 पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स हम आगे करेंगे। अब एक होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में लिख दूं XY+Z ये कुछ भी, तो उसमें क्या हो रहा होगा, कोई ना कोई सब्सटेंस, तो हमने कैटलिस्ट पूछा था ऊपर, वैसे ही कोई ना कोई चीज होगा उस रिएक्शन में जो क्या कर रहा होगा, ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा होगा या हाइड्रोजन को ऐड करवा रहा होगा, कोई ना कोई तो होगा जैसे कैटलिस्ट काम कर रहा है, वैसे कोई ना कोई सब्सटेंस या कोई ना कोई चीज होगी जो एडिशन या रिमूवल के काम करवा में हेल्प करवा रही होगी, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं, ठीक है, एजेंट होते हैं वो एजेंट क्या करवाते हैं, या तो एडिशन करवा रहे होते हैं या तो रिमूवल करवा रहे होते हैं। तो अगर तो वो एजेंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवा रहा हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम उसे इसको हम क्या बोलते हैं,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर तो वो ये वाला, वो एजेंट ये वाला काम कर रहा है इसके एडिशन और इसके रिमूवल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर तो वो ये वाले के लिए काम करेगा तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। एक हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा हमारा क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सब जो काम कराता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको एक और सब चीज पढ़नी होगी कि भाई कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस रिडक्शन हुई। मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ कोई रिएक्शन होगा, रिएक्शन में उस पूरा रिएक्शन को आप देख के पता करोगे कि ऑक्सीडेशन है या तो रिडक्शन हो रही है हमारी। उसके अलावा हमने पढ़ लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, हमें ये भी पता चल गया। अब इसमें आपको ये भी फाइंड आउट करने को आएगा कि भाई एक रिएक्शन आपको बड़ा सा लिख के दे देंगे ZnSO4 plus H2SO4, ये सारी चीजें, और उसमें बोलेंगे कि बताओ भाई कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपसे पूछेंगे। उसके अलावा आपसे पूछेंगे कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ या कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा है और रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है उसका एग्जाम्पल, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, हमने ये कंटिन्यू करना है। और उसके अलावा साथ के साथ हमने किस तरह से केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं वो पढ़ना है। एंड उसके फर्दर क्लासेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो क्या चीजें होती है उसके बारे में हमने चीजें पढ़नी है। तो वाइंड अप बिफोर वाइंड अप द क्लास, मैं आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि हमने आज पूरा ओवरऑल क्या पढ़ा है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कल हमने क्या करना है। तो फटाफट हम रिविजन मोड आते जाते हैं, बच्चे रेज हैंड भी कर सकते हैं जब मैं कुछ पूछूं, या तो फटाफट अगर उनकी चैटिंग फटाफास्ट है तो फटाफट चैट बॉक्स में चैट भी करते जाएंगे। तो हम समराइज कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने आज स्टार्ट किया है दैट इज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 1 किया। केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज हमारा केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। इसमें सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हमने पढ़ा था, जब हमारा कोई भी ओल्ड सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, विथ हमारी न्यू प्रॉपर्टीज। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई ओल्ड चीज न्यू चीज में कन्वर्ट होती हो विथ इट्स न्यू प्रॉपर्टीज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन, वाटर की फॉर्मेशन, जब किसी में भी रिएक्टेंट साइड कोई एक चीज हो, या इसमें तो किसी भी टाइप का, या प्रोडक्ट हैंड साइड दो चीजें फॉर्म हो गए, तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। अब हमने आगे क्या पढ़ा, इक्वेशन। इक्वेशन क्या चीज होती है, इक्वेशन में हम मेनली क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल हम क्या करते हैं, अपनी जो केमिकल रिएक्शंस है उनको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट जो हमने किया दैट इज टाइप्स ऑफ types of chemical reaction। इसमें हमने mainly जो थे 4 types के पढ़े, that is of addition, इसको हम बोलते हैं combination, second will be
सेकंड भी फटाफट फटाफट बच्चे आपने चार बॉक्स में भी मेरे साथ साथ लिखते जाओ। सेकंड हमारा कौन सा आता है, दैट इज ऑफ डिकम्पोजिशन। थर्ड हमारा डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। एंड फिफ्थ हमारा जो एट द एंड आता है, दैट इज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब इन सब चीजों में भी क्या हुआ था वो भी हमने चेक करना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, ए प्लस बी क्या दे रहा है हमारा, ए बी। सेकेंड वाले में ए बी इज डिकम्पोज इन टू ए प्लस बी। थर्ड में हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हमारा ए डी प्लस बी सी बन रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी हमारा ए प्लस सी डी हो रहा है, तो ये बनेगा हमारा डी ए प्लस बी सी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, आयंस फॉर्म होते हैं, प्रेसिपिटेट बन रहे होते हैं, एंड दो चीजें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमने नेक्स्ट क्लास में देखना है। इसमें बस हमने ये देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं एंड एग्जांपल्स, एंड जो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक दैट इज योर बैलेंसिंग, एंड जितना भी हमने क्या करना है, जितने भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो हम कल से स्टार्ट करें। तो होप सो आपको समझ आया हो। कोई डाउट्स हो तो आप इस उसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अपने बुक से रेफरेंस ले सकते हैं, एंड एट द एंड ऑफ क्लास हम थोड़ी देर डाउट सेशन रखा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।